हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का। लेट मी चेक दैट एवरीथिंग इज फाइन। तो बिल्कुल आप सब लोग कनेक्ट हो जाइए और फटाफट से इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। टिल देन लेट मी चेक दैट एवरीथिंग इज फाइन। बिल्कुल, तो यहां पर हमारे साथ में कनेक्टेड हैं गरिमा चौधरी, जयराम नाइक जी, अमित जायसवाल, लेखा कुमारी। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे होंगे। एक बार कमेंट करके मुझे आप बता दीजिए कि ये जो मेरा लाइव सेशन है, क्या आप मुझे यहां पर सुन पा रहे हैं। इफ येस देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बाय सेइंग यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल, लोचन पटेल, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन पर हम लोग बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस या फिर सेकेंडरी मेमोरी पे। देखिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है ना। तो आप लोग इस सेशन को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल कमेंट करके एक बार बता दीजिए एवरीथिंग इज फाइन इन दिस सेशन। बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं यहां पर हम सेशन के साथ में। देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी मेमोरी है ना गाइस। देखिए, हम यहां पर कई सारे सेशन आपके लिए लेकर आते हैं पूरे दिन भर में। यहां पर आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी रहती हैं, ताकि जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उनके लिए हम आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताते रहें। और साथ में ये लाइव स्ट्रीम भी हम करते हैं है ना, जिसके थ्रू आप लोग पूरे क्लास के तरीके से अपने क्वेश्चन को पूछ पाए। तो डेली ये जो लाइव का समय होता है वो 1 बजे का होता है ना। तो आप सभी को बता दीजिए कि 1 बजे जरूर इस लाइव क्लास में जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे है ना, और डेफिनेटली वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर अभी तक के जो हम सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बताया, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने आपको करवाए। फिर उसके बाद मेमोरी सेशन हमने स्टार्ट किया, जहां प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस किया, और आज के सेशन में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइस पर। तो देखिए, हम सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जहां पर सारा डेटा आपका स्टोर होता है, या फिर आप उसको अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन का गोडाउन भी कह सकते हैं है ना, जहां पर आप सारा डेटा रखते हैं। बिल्कुल निर्गुर कौर जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। आप सभी को गुड आफ्टरनून गाइस। तो यहां पर हम अपने डेटा को रखते हैं। अब इसमें चाहे हम पेन ड्राइव की बात करें, सीडी की बात करें, डीवीडी की बात करें, या एसडी कार्ड की बात करें, या फिर और भी कई सारी डिवाइसेज हैं जहां पर हम अपने डेटा को रखना पसंद करते हैं। अब डेटा को देखिए, हम 2 मकसद से कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन में रखते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, डेटा को रखने का मकसद बहुत ही सिंपल है, कि हम वहां से कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर पाए यानी निकाल पाए। अब आप पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, क्योंकि एज अ बैकअप हो सकता है कि आपका कंप्यूटर कभी भी क्रैश कर जाए है ना, तो आपने पेन ड्राइव में रख लिया कि कम से कम डेटा तो सेव रहेगा ही। और आजकल के इस नए जमाने में हम लोग डेटा को क्लाउड पर भी स्टोर करके रखते हैं, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं है ना। जैसे कि आप गूगल ड्राइव में स्टोर करके, जीमेल में स्टोर करके, अगर फोटोज हैं तो वो फेसबुक पर भी स्टोर होके है ना रहती हैं, वहां पर भी आप रख देते हैं, ताकि फेसबुक पे लाइव भी लोगों को दिखें और आपका एक डेटाबेस भी मेंटेन होता रहे। व्हाट्सएप भी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मोबाइल फोन अगर कभी खराब भी हो गया तो ये डेटा हमेशा वहां पर स्टोर होगा, जो आपके गूगल ड्राइव और जीमेल पर स्टोर है या दूसरी जगह पर स्टोर है, राइट। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। मंगला जी, बिल्कुल आपका डाउट यहां पर है। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में कंप्यूटर सेक्शन, बिल्कुल। देखिए, आईबीपीएस की अगर हम बात करें तो यहां पर आरआरबी में कंप्यूटर पूछा जाता है
ना, तो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है सेशन, क्लर्क लेवल पे बिल्कुल कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ जो सेशन हो रहे हैं उन सब में आपको कंप्यूटर में हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन पर कंसंट्रेट करते हुए ये सेशन हम आपके सामने है ना लेकर आए हैं। तो बिल्कुल मांगला जी, किस किस एग्जाम में आता है ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है ना। आईबीपीएस आरआरबी से रिलेटेड चाहे पीए हो या क्लर्क हो, यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एनटीपीसी भी क्यू में है तो एनटीपीसी में भी क्वेश्चन मिलते हैं, या फिर अलग अलग आप कोई भी जैसे ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हैं, ओ लेवल का दे रहे हैं, या फ्यूचर में कोई भी आप कंप्यूटर का एग्जाम देंगे है ना, तो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग ने डिस्कस किया था रैम और रोम के बारे में। रैम जहाँ पे टेम्परेरी थी, रोम परमानेंट थी, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्लेस वेयर वी स्टोर पर्सनल डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में वो जगह जहां पर हम अपने पर्सनल डेटा को स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो है ना, या फिर सीडी या डीवीडी हो। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम इसको हार्ड डिस्क मान के चलते हैं कंप्यूटर की, है ना, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का यूज होता नहीं, सीडी डीवीडी भी रेयर होती है डेटा को सेव करने के लिए। तो मेन जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी बनती है वो है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर सो दैट वी कैन नॉट लूज द डेटा व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ। यानी जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो इसमें रखा हुआ डेटा कभी भी लॉस नहीं होता है ना। जैसे हार्ड डिस्क आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं और हार्ड डिस्क में रखा हुआ डेटा तब भी आपके पास में रहता है, या पेन ड्राइव जब आप सिस्टम से निकाल लेते हैं तब भी वो डेटा आपके पास में रहता है। कभी आपने सोचा है कि ये हार्ड डिस्क पेन ड्राइव किस तरीके से काम करती हैं? क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक करंट, बिना पावर सप्लाई के भी ये आपके डेटा को सेव करके रखती है। देखिए पावर मिलने पर डेटा सेव हो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बिना पावर मिलने पर भी डेटा को सेव करें ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है ये भी हम आपको अभी आज के सेशन में क्लियर करेंगे। गेटिंग दी पॉइंट? बिल्कुल। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ डेटा एक्सेसिंग के बारे में, यानी किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में आप डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फेच कर सकते हैं। तो यहां पर हम टॉपिक है मेथड फॉर डेटा एक्सेस। एक्सेस मतलब निकालना। दो तरीके होते हैं डेटा को निकालने के लिए। पहला तरीका दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा तरीका दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। राइट गाइस? तो हार्ड डिस्क से या किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को निकालने के कितने तरीके हैं? दो तरीके, सीक्वेंशियल और रैंडम। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डेटा को निकालने के कितने तरीके होते हैं या डेटा को एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं, तो आंसर होगा दो तरीके, सीक्वेंशियल और रैंडम। अब इन दोनों में क्या अंतर है चलिए जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके डिवाइस के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेथड फॉर डेटा एक्सेसिंग में पहला तरीका है सीक्वेंशियल एक्सेस। देखिए अगर पुराने जमाने पर हम बात करें है ना, थोड़े से पुराने जमाने में चले जाइए, करीबन 10 साल पहले की बात है ना, या उससे भी पहले जब टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे है ना, तो आप लोग देखते थे कि वहां पर क्या होता था। अगर आपको कोई गाना सुनना है ना, तो उसके लिए आपको पूरा सीक्वेंस ऑप्ट करना पड़ता था, वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता था, जहां पर एक कैसेट चला करती थी है ना, उसमें एक रील हुआ करती थी। तो वो जो टेप हुआ करते थे, जो कैसेट हुआ करती थी, उनमें जो डेटा को एक्सेस करने का तरीका था वो पूरा सीक्वेंशियल था, है ना। सीक्वेंशियल का मतलब पूरे सीक्वेंस से डेटा को एक्सेस कर सकते थे। जबकि अगर हम बात करें
आजकल रैंडम एक्सेस हम ऑप्ट करते हैं, तो सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है देखते हैं। दिस इज द मेथड इन विच वी सर्च द डेटा सीक्वेंशियली और लाइन बाय लाइन, यानी लाइन बाय लाइन करके एक एक करके डेटा को निकालना या डेटा को फेच करना सीक्वेंशियल है। और ये तब तक करते थे जब तक पूरा डेटा हम फेच ना कर लें। बात समझ में आ गई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल कि सीक्वेंशियल एक्सेस करने वाली कौन सी डिवाइस है। तो याद रखिएगा सिर्फ एक डिवाइस है जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है अभी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जाम्पल हो गया मैग्नेटिक टेप। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट है आपका रैंडम एक्सेस। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी कभी भी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रैंडम। सो दिस इज द मेथड इन विच कंप्यूटर कैन डू गो डायरेक्टली टू द इंफॉर्मेशन दैट द यूजर वॉन्ट। और आजकल हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी हमें चाहिए वो तुरंत मिल जाए, है ना, उसके लिए वेट ना करना पड़े। अगर हमें वेट करना होगा तो हम कभी भी उस डिवाइस का यूज नहीं करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सीडी में 4 टाइप्स की फाइल को सेव किया, 4 तरीके की फाइल को सेव किया, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। अब आपको फाइल 4 एक्सेस करनी है, यानी निकालनी है, यानी ओपन करनी है, तो क्या आप पहले फाइल 1 में जाएंगे, फिर फाइल 2 में जाएंगे, फिर फाइल 3 में जाएंगे, फिर फाइल 4 में जाएंगे? या आपको फाइल 4 एक्सेस करनी है तो आप डायरेक्ट फाइल 4 पे क्लिक करके फाइल 4 ओपन कर लेंगे? बिल्कुल सही, है ना। हम लोग क्या करेंगे, फाइल 4 पे जाएंगे और उसको ओपन कर लेंगे। ये है रैंडम एक्सेस, यानी जो भी डेटा हमें चाहिए उस पर डायरेक्ट हम पहुंचेंगे और उस पर क्लिक करेंगे और शानदार तरीके से ओपन करेंगे। तो इसका मतलब आजकल हम लोग जितनी भी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो सब रैंडम एक्सेस डिवाइसेस ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये आपकी रैंडम एक्सेस हो गई। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सीक्वेंशियल एक्सेस में आता है मैग्नेटिक टेप और रैंडम एक्सेस में आती है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। अगर हमने बोला मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, तो इसमें तो वो सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, है ना। और मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है और ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, इसको भी हम लोग डिटेल में आज ही के सेशन में देखेंगे। यहां तक क्लियर है गाइस? बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक डिस्क की जब हम बात करें तो वो रैंडम है, मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें, सिर्फ टेप, है ना, तो वो सीक्वेंशियल हो जाएंगी। ठीक, लोचन पटेल जी क्लियर है यहां तक? आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, कितने तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अभी आपने देखा 3 तरीके की प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, जैसे सीक्वेंशियल, मैग्नेटिक टेप, रैंडम के केस में मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका मतलब 3 तो आपको मिल गई, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और चौथी होती है फ्लैश मेमोरी, ये भी आपकी सीक्वेंशियल ही होती है, है ना। दिस इज ऑल्सो अ रैंडम, यानी फ्लैश मेमोरी भी आपकी कैसी होती है, रैंडम एक्सेस डिवाइस ही होती है ना। तो सीक्वेंशियल में सिर्फ एक नाम आएगा, वो है मैग्नेटिक टेप, और इसके अलावा जितनी भी हैं वो सब आपकी रैंडम एक्सेस की कैटेगरी में आएंगी, चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क हो, ऑप्टिकल डिस्क हो, या फिर फ्लैश मेमोरी हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो फिर से मैंने आपको बताया था कि जो पुराने जमाने में जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती थी वो मैग्नेटिक टेप है, है ना। तो एक बार देखते हैं गाइस इसके बारे में। तो ये आप लोग दर्शन करिए मैग्नेटिक टेप, है ना। तो रीले दिख रही है, कुछ रिबन टाइप का दिख रहा है, कैसेट तरीके की दिख रही है, जो पुराने जमाने में इसी तरीके से यूज किया जाता था, है ना। तो जहां पर हम लोग रील्स की बात करते हैं, ये होता है आपका मैग्नेटिक टेप। तो क्या मैग्नेटिक टेप का आज हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो आंसर है बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक टेप का हम लोग यूज आजकल नहीं करते। और हम लोग क्या मतलब आम जनता यूज नहीं करती, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैग्नेटिक टेप है,
तो क्या उसको फेंक दिया गया है? क्या वो ऑब्सोलीट हो गया है? बिल्कुल नहीं, उसको भी यूज ले लिया गया है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फॉर स्टोरिंग लार्ज कंप्यूटर्स, यानी उसका इस्तेमाल बैकअप के तरीके से आज किया जाता है। अगर कहीं पर मैग्नेटिक टेप है तो बैकअप के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए उसका यूज कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। या फिर अगर हम बात करें तो आज इसका यूज सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन यूज कर रहा है? सबसे ज्यादा रेलवेज में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए रेलवे के एग्जाम में मेन फ्रेम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल अभिषेक तिवारी जी, आपने सही कहा, मैग्नेटिक टेप आपकी सीक्वेंशियल एक्सिस होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर एक एग्जाम में यह पूछा जाए कि मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता कहां पर है, तो आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल वैसे तो बैंक भी करता है ना, रेलवेज में सबसे ज्यादा होता है डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेन फ्रेम की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को आईबीएम ने बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इस कंपनी ने खुद कह दिया है कि अब वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज 2025 तक, यानी 2021 से ही है ना, 2025 तक पूरा खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाएगा। तो आईबीएम जिसने खुद बनाया वो खुद इसका यूज बंद करने वाली है पूरे तरीके से, है ना, और क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेटा स्टोरेज को शिफ्ट करने वाली है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक टेप का भी यूज पूरे तरीके से खत्म होने वाला है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट दूसरा है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या आती हैं, इनके बारे में भी एक बार देखते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है, है ना, पहले इसके बारे में बात करते हैं। बाकी मैग्नेटिक डिस्क में देखिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये दो तरीके की डिस्क आती हैं, है ना, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक डिस्क आर कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन ऑक्साइड। अब हार्ड डिस्क को ही ले लीजिए, तो हार्ड डिस्क कैसे बनती है, इसके ऊपर किसका कोट होता है? तो ये एक तरीके की मैग्नेटिक डिस्क ही है जो कोट की जाती है मैग्नेटिक मटेरियल से, जैसे आयरन ऑक्साइड, है ना, इससे ये बनाई जाती है, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो या फिर हार्ड डिस्क हो। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करें तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी, ये सब आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं, राइट? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। लेकिन फ्लैश मेमोरी थोड़ी सी एडवांस है, उसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज है, है ना, तो इस पर हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में आगे आने वाले सेशन में भी। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते भी जाइएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या बात करी? सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि स्टोरेज डिवाइस में एक्सेस करने के डेटा को दो तरीके होते हैं, सीक्वेंशियल और रैंडम। जहां हमने सीक्वेंशियल में बताया आपको मैग्नेटिक क्या आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, और मैग्नेटिक टेप के बाद जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब आपकी रैंडम एक्सेस होती हैं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, और मैग्नेटिक डिस्क में पहला नाम आता है फ्लॉपी डिस्क का। ठीक, तो क्या होती है फ्लॉपी डिस्क, आइए चलिए जानते हैं। कुछ ऐसे ही दिखती है, आजकल फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल नहीं होता, है ना, लेकिन फिर भी इसका कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, अगेन बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। देखिए इंडिया एक बहुत ही शानदार ऐसा कंट्री है जहां पे कोई भी चीज फेंक ही नहीं जाती, है ना, चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चीज फेंक ही नहीं जाती, है ना, उसका इस्तेमाल किसी ना किसी पर्पज से कर लेते हैं। कुछ नहीं, अब देखिए 2 GB का डेटा, आजकल 2 GB की वैल्यू क्या है? बिल्कुल नहीं, कुछ ही वीडियोज में 2 GB का डेटा फुल हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास में 2 GB की पेन ड्राइव है तो क्या वो उसको फेंक देगा? बिल्कुल नहीं, 2 GB इस्तेमाल में जरूर लेगा, है ना, भले ही उसके पास 64 GB या 128 GB की भी स्टोरेज डिवाइस हो।
तो बिल्कुल उसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है और इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो फ्लॉपी डिस्क बेसिकली होती क्या है, चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर वन, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लॉपी और डिस्केट, इसे फ्लॉपी भी कहा जाता है ना, या डिस्केट भी कहा जाता है। तो कभी आपको फ्लॉपी मिले या सिर्फ डिस्केट लिखा मिले तो समझ जाइएगा कि ये बात फ्लॉपी डिस्क की हो रही है। अगला, किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया, तो 1971 में ये इन्वेंट हुई, ये लॉन्च हुई मार्केट में 1971, 1971। किसने डेवलप करी फ्लॉपी डिस्क, आंसर है आईबीएम, है ना। तो हार्ड डिस्क भी आईबीएम की आई सबसे पहले और फ्लॉपी डिस्क भी सबसे पहले किसने डेवलप करी गाइस, आईबीएम कंपनी ने ही डेवलप करी। नेक्स्ट, और अब देखिए आईबीएम में कोई पर्सन होगा जिसने इसको बनाई होगी, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आईबीएम में वो कौन महानुभाव थे जिन्होंने फ्लॉपी डिस्क को बनाया। तो आंसर है मिस्टर एलन शुगार्ट, नाम याद रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क वॉज इन्वेंटेड बाई हुम, किसने इन्वेंट करी, आंसर है एलन शुगार्ट, है ना, बहुत ही बढ़िया नाम है, तो याद जरूर रखिएगा इन बढ़िया बढ़िया नामों को। साइज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क कितने कितने साइज में अवेलेबल है, तो तीन साइजेस में ये अवेलेबल है, 3/1/2, 5/1/4 और 8 इंचेस, यानी 3 इंचेस में ये अवेलेबल है, 3.5, 5.2 और 8 इंचेस, राइट। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये तीन साइज में अवेलेबल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब जो 3.5 इंच वाली है ये कितनी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में है, तो आंसर है 1.44 MB, है ना, 1.44 MB। जो 5.25 इंचेस के साथ में है वो है आपकी 160 KB के साथ, लेकिन सिंगल साइडेड, अगर डबल साइडेड होगी तो आप समझ जाइए 320 KB हो जाएगा, है ना, सिंगल साइडेड है तो 160 KB है। और तीसरी है आपकी 8 इंच की जिसमें 80 KB डेटा स्टोर हो सकता है। तो ये तीन फ्लॉपी डिस्क ही मार्केट में आई हैं, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच, जिनकी कैपेसिटी आपके सामने अवेलेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। अगर फ्लॉपी डिस्क नॉर्मल पूछा जाए कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, राइट, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो अब सही जवाब क्या होगा। इस केस में बाय डिफॉल्ट जो ट्रीट किया जाता है वो ट्रीट किया जाता है 5.25 वाले को, इसलिए आंसर हमेशा बनता है 160 KB, ठीक। और अगर मैक्सिमम पूछें तो 320 होगा, मिनिमम पूछें तो 160 होगा, मैक्सिमम पूछें तो 320 होगा। ऐसा क्यों, अभी मैंने बताया सिंगल साइड है तो 160, और अगर डबल साइड कर दिया जाए यानी दोनों साइड पे डेटा को लिखने की कैपेसिटी अगर रखें तो इसका मतलब आंसर होगा 320 KB। बाकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, 3.5 इंच, 1.44 MB और 8 इंच, दैट इज 80 KB के साथ में स्टोरेज कैपेसिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, शानदार। नेक्स्ट, डेटा रिटर्न, इसमें जो डेटा लिखा जाता है फ्लॉपी डिस्क में या स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन अ सीरीज ऑफ सेक्टर। ये भी क्वेश्चन आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि डेटा फ्लॉपी डिस्क में एक्चुअल में सेव कहां पर होता है। तो वैसे तो ट्रैक्स में भी सेव होता है, सेक्टर में भी सेव होता है, लेकिन इसका सही जवाब होता है इन अ सीरीज ऑफ सेक्टर। सेक्टर की सीरीज में डेटा सेव होता है फ्लॉपी डिस्क के केस में, राइट। नीतीश कुमार जी का एक क्वेश्चन है कि सर हिंदी में भी कंटेंट दीजिए। देखिए मैं जो कोशिश यहां पर कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जो समझाऊं है ना वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी में समझाएं ताकि आप सबको समझ में भी आए।
है ना। लेकिन रही कंटेंट देने की बात, तो बिल्कुल हम आपको कंटेंट हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे और हिंदी के हम अलग सेशन भी लेकर आएंगे, है ना। तो आप परेशान मत होइए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूरे सेट हिंदी में मिलेंगे और एज वेल एज डिस्क्रिप्शन भी हिंदी में मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक अलग सेशन हमें रखना होगा, ठीक। लेकिन आई होप कि यहां पर आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल कोई बात नहीं नितेश कुमार जी, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही कंप्यूटर होने वाला है, डोंट वरी। तो ये अगेन यहां पर याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा को सेक्टर में रखा जाता है या फिर सीरीज ऑफ सेक्टर में रखा जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसमें दूसरी स्टोरेज डिवाइस निकल के आती है आपकी हार्ड डिस्क। अभी तक हमने बात करी फ्लॉपी डिस्क के बारे में, अब आप लोग यहां पर जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। तो देखिए हार्ड डिस्क क्या होती है और कैसे काम करती है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन उससे पहले फिर से दर्शन करिए कि हार्ड डिस्क बेसिकली दिखती कैसे है ना। तो अगर इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दूसरी इमेज आपके सामने है, दिस शोज द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर हार्ड डिस्क। और अगर हम एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे ही शोज होती है, कुछ ऐसे ही दिखती है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। अब चाहे वो 320 GB की हो या फिर 1 TB की हो, है ना, या फिर 6 TB की हो, इट डजेंट मैटर। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होता है, बस सिर्फ इसके साइज में चेंजेस और इसके स्पीड में चेंजेस आते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, जस्ट अ मिनट गाइस, परफेक्ट। अब चलिए जानते हैं एक एक करके हार्ड डिस्क के बारे में। देखिए अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो एक सुंदर सी इमेज यहां पर दी गई है ना। इसको समझते हैं, हार्ड डिस्क में मेन मेन चीजें क्या होती हैं। देखिए हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव होता है वो अगेन ट्रैक्स सेक्टर्स के फॉर्म में सेव होता है। यहां पर प्लेटर गिवन होता है, आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के थ्रू, है ना। प्लेटर्स जो गोल गोल घूमता है, डिस्क हेड होता है। डिस्क हेड का मतलब इसी के थ्रू हम लोग रीड राइट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को हम रीड भी कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में राइट भी कर सकते हैं। इसके लिए दो हेड दिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड रीड राइट हेड, है ना। आप देख सकते हैं इस इमेज में एक स्पिंडल लगी रहती है, एक बड़े से व्हील के नीचे एक और स्पिंडल होती है, डिस्क आर्म होता है और मोटर लगी होती है। इतने मेन पार्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। बिल्कुल, वेरी गुड अभिषेक तिवारी जी, बिल्कुल सही। 5200, 7200, ये इसकी आरपीएम स्पीड है ना। हाँ बिल्कुल, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के बाहर की तरफ सेक्टर होता है और जो सबसे बड़ी स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं डिस्क सेक्टर, है ना। इसके बारे में भी एक एक करके हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट हार्ड डिस्क से रिलेटेड, इट इज नॉन वोलेटाइल और परमानेंट इन नेचर। ये परमानेंट होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क आपकी परमानेंट है, रोम आपकी परमानेंट है, वैसे ही हार्ड डिस्क भी क्या है, परमानेंट है, जो आपके डेटा को स्टोर करके रखती है। ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क कहें या हार्ड डिस्क ड्राइव कहें, HDD भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट, है ना। तो HDD अगर कहीं पर लिखा हो तो इसका मतलब भी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। बिल्कुल बिल्कुल लोचन पटेल जी, रेवोल्यूशंस पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड, RPS, ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला पॉइंट, कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क किससे कनेक्ट होती है, तो आंसर है मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। जितनी भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस जो लगी होती हैं वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होती हैं, है ना। जैसे रैम मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, रोम मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, सीमॉस बैटरी मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, तो हार्ड डिस्क भी किससे कनेक्टेड है, मदरबोर्ड से। अगला पॉइंट, डेटा केबल यूज्ड फॉर कनेक्शन इज, हार्ड डिस्क अभी मैंने कहा कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है ना। तो मदरबोर्ड से किस तरीके से कनेक्ट होगी, आंसर है कोई ना कोई केबल होगी, कोई ना कोई तार होगी, कोई ना कोई वायर होगी, जिसके थ्रू हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से कनेक्टेड होगी। तो ये जो केबल है वो कौन कौन सी होती हैं, आंसर है पाटा केबल, साटा केबल,
और SCSI इंटरफेस, है ना, इन तीन तरीकों से हार्ड डिस्क आपकी कनेक्ट होती है। आप लोगों ने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि ये हार्ड डिस्क साटा की है या ये हार्ड डिस्क पाटा की हार्ड डिस्क है। तो साटा और पाटा ये क्या होता है, ये केबल के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ केबल है, ये हार्ड डिस्क के टाइप नहीं है। वो हार्ड डिस्क जिसमें साटा केबल लगती है उसे साटा हार्ड डिस्क कह दिया जाता है, वो हार्ड डिस्क जिसमें पाटा केबल लगती है उसे पाटा हार्ड डिस्क कह दिया जाता है। क्लियर है? और एक इंटरफेस और भी होता है जिसे SCSI बोलते हैं। पाटा साटा और SCSI का क्या मतलब है ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पीड मेजर्ड इन। कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही कमेंट है उन सभी का कि जो स्पीड नापी जाती है हार्ड डिस्क में वो नापी जाती है किसमें, आरपीएम में। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये क्वेश्चन अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापा जाता है। तो आंसर क्या होगा गाइस, आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट, याद रखिएगा। बिल्कुल पवन कुमार जी, स्वागत है आपका। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क। अब देखिए, जितनी महंगी हार्ड डिस्क होगी, है ना, उसमें उतनी अच्छी क्या होगी, स्पीड होगी, या फिर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो दो ही चीजें हैं जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस को डिफाइन करती है, एक तो उसकी कैपेसिटी स्टोर करने की, और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी स्पीड। तो हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में नापी जाती है, और मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, तो आंसर आपके सामने गिवन है 5400 RPM से लेके 7200 RPM तक इसकी स्पीड होती है, यानी 5400 से लेके 7200 तक ये आपको स्पीड मिलती है। लेकिन नॉर्मली मैं अगर बात करूं तो कहीं कहीं पर आपको 1500 RPM भी लिखा मिलेगा। मार्केट में 1500 RPM की हार्ड डिस्क अवेलेबल तो नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन जब आप लोग बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे 1500 RPM लिखा मिलेगा, जो कि बहुत रेयर केस में होता है ना। तो हम आपको कंप्लीट बताएंगे यहाँ पर, इसलिए अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम स्पीड कितनी होती है हार्ड डिस्क की, तो आंसर होगा 5400 RPM, और अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आंसर होगा 7200। ठीक, लेकिन नॉलेज के पॉइंट से याद रखिएगा 1500 RPM भी होती है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक तिवारी जी, SCSI का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अब हार्ड डिस्क के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो सॉरी शक्तिमान, नहीं यहाँ पे शक्तिमान द्वारा बताई हुई नहीं, बल्कि सचिन सर जो छोटी छोटी और मोटी बातें बता रहे हैं, है ना, उनको याद रखने की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, पहला पॉइंट हार्ड डिस्क में, फर्स्ट हार्ड डिस्क वॉज मेड इन विच ईयर, पहली हार्ड डिस्क किस ईयर में आई, तो आंसर है 1956 में, 1956 में। किसने बनाई, तो आंसर है IBM कंपनी ने। तो फ्लॉपी डिस्क भी पहली IBM ने बनाई, और हार्ड डिस्क भी पहली किसने बनाई, सबसे पुरानी कंपनी दैट इज IBM। बिल्कुल नेक्स्ट, फाउंडर, हार्ड डिस्क के फाउंडर यानी हार्ड डिस्क की खोज किसने करी, आंसर है मिस्टर जॉनसन, मिस्टर रेनॉल्ड बी जॉनसन इज नोन एज द फाउंडर या पापा ऑफ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के पापा का क्या नाम है ना, तो हार्ड डिस्क के पापा मींस फाउंडर हैं मिस्टर रेनॉल्ड बी जॉनसन। क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पाटा केबल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पाटा केबल होती है, साटा केबल होती है, और SCSI होता है। तो पाटा की फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखिए, एक चीज कॉमन है पाटा और आटा में, है ना, पाटा बात कर लीजिए, साटा की बात कर लीजिए, तो कॉमन क्या है, ATA, यानी आटा इज कॉमन, राइट। तो एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये मतलब होता है ATA का, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो अटैच करती है
किसी भी मेमोरी को मदरबोर्ड से, दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और अगर वो पैरेलली अटैच होती है तो उसे पाटा कह देते हैं, और अगर वो सीरियल वे में अटैच होती है तो उसको साटा कह देते हैं। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन यहां पर मेरा आप लोगों से रहेगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि स्पीड किसकी फास्ट होगी, पाटा की फास्ट होगी या साटा की फास्ट होगी? पैरेलल वे में डेटा ट्रांसफर करेगा तब वो फास्ट होगा, या सीरियल वे में जब वो डेटा ट्रांसफर करेगा तब वो फास्ट होगा? बताइएगा फटाफट। बिल्कुल सही बात है, जब पैरेलल वे में डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा तो डेटा की स्पीड स्लो होगी, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है एक समय पर एक बिट का ट्रांसफर, तो ये स्लो है। और सीरियल का मतलब होता है एक समय पर नंबर ऑफ बिट्स, 8 बिट्स एक समय पर ट्रेवल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड साटा। तो इसका मतलब साटा की स्पीड फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू दी पाटा केबल। तो यानी ओल्डेस्ट केबल हो गई आपकी पाटा और लेटेस्ट केबल हो गई आपकी साटा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जाता है गाइस कि कौन सी ऐसी केबल है जो लेटेस्ट है ना, जिस जो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करती है, तो इस केस में आंसर होगा साटा केबल। राइट, नेक्स्ट SCSI, ये भी एक लेटेस्ट केबल है जो कई सारे पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकती है, कई सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकती है, वो है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। राइट, तो याद रखिएगा इन तीनों को। और अगर लेटेस्ट केबल पूछे है ना, तो याद रखिएगा एग्जाम में जो ऑप्शन बनता है वो बनता है साटा केबल। नेक्स्ट देखिए, SCSI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादातर जो आपके एग्जाम में SCSI का पूछा जाता है वो इसकी फुल फॉर्म है। तो याद रखिएगा, दिस इज अ टाइप ऑफ अ केबल विच इज कॉल्ड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। वेरी गुड। ठीक, तो आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, अगर हम केबल की बात कर रहे हैं तो केबल की स्पीड को किसमें नापा जाता है? कंप्यूटर के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितनी भी केबल्स का इस्तेमाल आप लोग करते हैं उन सब की स्पीड होती है जिसे हम लोग DTR कहते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। यानी साटा केबल में डेटा किस स्पीड से ट्रांसफर होगा, पाटा केबल में डेटा किस स्पीड से ट्रांसफर होगा, है ना, इसको बोला जाता है डेटा ट्रांसफर रेट। तो केबल्स का डेटा ट्रांसफर रेट कितना होता है ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटा केबल का होता है 133 MB/s, साटा केबल का होता है 150 MB/s से 600 MB/s। तो अब तो समझ गए आप लोग कि फास्ट कौन सी है, साटा केबल है, क्योंकि 150 से 600 की स्पीड तक डेटा ट्रांसफर करती है। राइट, और SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस की बात करें तो 640 MB/s की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। एक पॉइंट और भी यहां पर याद रखिएगा गाइस, कि अगर बी छोटे से गिवेन हो तो उसका मतलब होता है बिट, बी बड़े से गिवेन हो तो इसका मतलब होता है बाइट। बात समझ में आ गई? बी छोटा बिट है और बड़ा बी का मतलब है बाइट, तो मेगा बाइट पर सेकेंड यहां पर डेटा ट्रांसफर रेट दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास में कमेंट आया था मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली, उन्होंने कहा कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है ना। तो देखिए, नोटिफिकेशन तब आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं अपलोडेड फॉर्म में अपलोड करता हूँ, है ना, तो वो आपको यहाँ पर लाइव नहीं मिलेंगी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोडेड मिलेंगी, है ना। तो इसके लिए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिएगा, है ना। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। यहां तक क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, ईच सेक्टर स्टोर्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूजर एक्सेसिबल डेटा। अब देखो,
जब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क के केस में डेटा कहां पर सेव होता है? आंसर है सेक्टर में। ईच सेक्टर स्टोर अ फिक्स अमाउंट ऑफ यूजर एक्सेसिबल डेटा। तो हार्ड डिस्क के किस जगह पर आपके डेटा को स्टोर किया जाता है? तो आंसर होता है सेक्टर में स्टोर किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट। तो अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी यूनिट हार्ड डिस्क की कौन सी है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, तो आंसर क्या हो गया? सेक्टर हो गया। स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट इज सेक्टर। नंबर टू, इस सेक्टर का साइज कितना होता है, यानी सेक्टर का बेसिकली साइज कितना होता है, तो आंसर है 512 बाइट या फिर 0.5 केबी भी आप कह सकते हैं। तो 512 बाइट्स या 0.5 केबी, ये साइज होता है हार्ड डिस्क के अंदर सेक्टर का। हार्ड डिस्क का मैक्सिमम साइज क्या है? देखिए, हार्ड डिस्क बेसिकली अगर हम बात करें, है ना, तो वो 1 GB से स्टार्ट हुई, और मैक्सिमम कितनी हार्ड डिस्क अवेलेबल है? 20 TB की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है, और ये 20 पहले 15 TB तक ही अवेलेबल थी, है ना। 2020 में एक और एडवांसमेंट हुआ कि 20 TB तक जो आपकी हार्ड डिस्क है वो मार्केट में अवेलेबल होने लगी, लेकिन 2019 तक अगर हम बात करें तो 15 TB की हार्ड डिस्क ही मार्केट में अवेलेबल होती थी। टीबी का मतलब टेराबाइट से है। क्लियर है? वेरी गुड। एक क्वेश्चन आया, सर मेरा 10 जनवरी को एग्जाम है, एमएस वर्ल्ड करवा दीजिएगा। चलिए बिल्कुल एमएस वर्ल्ड ले लीजिएगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली एक दो सेशन में आपको एमएस वर्ल्ड या एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट पूरा हम कवर करवा देंगे, ठीक। क्वेश्चन भी हो जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, नीड नॉट टू वरी एट ऑल, है ना। वैसे भी इसके बाद एमएस ऑफिस ही हम पढ़ाते, है ना, तो बिल्कुल उससे पहले मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ओके दिनेश शर्मा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क का साइज कितना होता है? तो हार्ड डिस्क जो अवेलेबल है वो दो साइजेस में अवेलेबल होती है, एक 2.5 इंच और दूसरा 3.5 इंच। तो ये दो साइज की होती है हार्ड डिस्क, राइट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, यानी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनीज कौन सी हैं जिनकी हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे अच्छी अगर हार्ड डिस्क बात करें और सबसे ज्यादा जिसका मार्केट में शेयर है, मार्केट शेयर मतलब जो सबसे बेहतर है मार्केट में, वो है आपकी WD, है ना। कई बार आपको नाम सुनने को मिलता होगा WD की हार्ड डिस्क, जिसका फुल फॉर्म होती है वेस्टर्न डिजिटल। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि WD की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वेस्टर्न डिजिटल, और ये कहां की कंपनी है? अमेरिका की। दूसरी सबसे पॉपुलर कंपनी जी टेक्नोलॉजी, और ये भी ब्रांड है किसका? WD का। यानी अगर कोई आपको जी टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क दे तो समझ जाइएगा वो भी WD की ही हार्ड डिस्क है। तो पहले और दूसरे नंबर पे अमेरिका, अमेरिकन कंपनी वेस्टर्न डिजिटल और जी टेक्नोलॉजी। तीसरे नंबर पे जापानीज कंपनी हिटैची, और चौथे नंबर पर अगेन अमेरिका की कंपनी सीगेट, और पांचवे नंबर पर साउथ कोरियन। साउथ कोरिया क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा फास्ट है ना, माइक्रो प्रोसेसर्स के फील्ड में या प्रोसेसर के फील्ड में कोरियन बहुत आगे है, तो और उसकी कंपनी आप जानते हैं, दैट इज सैमसंग। तो ये आपकी पांच बड़ी कंपनीज हैं हार्ड डिस्क के सेंस में, पांच बड़े ब्रांड हैं आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क के सेंस में, वेस्टर्न डिजिटल, जी टेक्नोलॉजी, हिटैची, सीगेट, सैमसंग, जिसमें तीन तो अमेरिकन ही है, एक जापानीज है हिटैची, और एक साउथ कोरियन है, दैट इज सैमसंग। तो ये पांच हार्ड डिस्क, आपको इनमें से कोई एक हार्ड डिस्क लेनी चाहिए जब आप मार्केट में जाते हैं हार्ड डिस्क के लिए। क्लियर है गाइस यहां तक? बिल्कुल। देखिए यहां पर कंप्लीट कंप्यूटर होगी, है ना, तो चाहे एमएस वर्ल्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वायरस हो, या कोई भी ऐसा चैप्टर हो जो आपको नहीं आता है, वो कंप्लीट यहां पर क्लियर होगा, राइट। तो बिल्कुल परेशान मत होइए किसी भी
चैप्टर के लिए, है ना। बस आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट ये की है कि सर एमएस ऑफिस थोड़ा जल्दी पढ़ा दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल माइट भी कल या परसों में वो सेशन आपके सामने होगा। क्लियर है गाइस? ओके, सोनाली शर्मा नो इशू, है ना। आप यहां से आप पढ़िए और इसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाए तब आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, नो इशू। नेक्स्ट देखिए, डेली 1 बजे सेशन होगा, है ना। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि डेली 1 बजे सचिन सर का सेशन होता है कंप्यूटर का, और अपने सभी फ्रेंड्स को बता भी दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है सीक टाइम और एक होता है लेटेंसी टाइम। क्या डिफरेंस है सीक टाइम में और लेटेंसी टाइम में, देखते हैं। टाइम टेकन टू रीड एंड राइट दी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को लिखने और पढ़ने में लगा समय, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम, या फिर टाइम टेकन टू रीच ट्रैक इन हार्ड डिस्क, ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय, इसे सीक टाइम कहते हैं। देखिए हार्ड डिस्क का दो ही काम होता है, या तो आप लिखते हैं इसमें डेटा या इसमें स्टोर किए हुए डेटा को आप पढ़ते हैं, तो इनमें रीड और राइट करने में लगा समय सीक टाइम कहा जाता है ना। तो व्हाट इज सीक टाइम, द टाइम टेकन टू रीड एंड राइट दी डेटा, लिखने और पढ़ने में लगा समय सीक टाइम है। लेटेंसी टाइम क्या है, लेटेंसी टाइम को रिस्पॉन्स टाइम भी कहा जाता है और इसे डिले टाइम भी कहा जाता है, जो देरी हो रही है। टाइम डिले बिटवीन अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा एंड रिटर्न ऑफ दी डेटा इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। जैसे सपोज करिए आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक, और मैं उस क्वेश्चन के आंसर को सोचने लगा और मैंने उस क्वेश्चन का आंसर आपको 5 सेकंड के बाद दिया, है ना। तो अब वो 5 सेकंड क्या हो गया, लेटेंसी टाइम हो गया। गेटिंग दी पॉइंट, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में लगा समय दैट इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम, और सीक टाइम का मतलब कि रीड और राइट करने में लगा समय, है ना, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत ही छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस में नेक्स्ट आता है। अभी तक देखिए आप लोगों ने क्या क्या समझा, आपने हार्ड डिस्क के बारे में समझा, आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझा, आप लोगों ने मैग्नेटिक टेप के बारे में डिटेल में समझा, है ना। और अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एसएसडी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अब अगर आप लोग अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में अगर कोई स्टोरेज डिवाइस लगवाएंगे, है ना, तो कौन सी लगवानी चाहिए, हार्ड डिस्क लगवानी चाहिए या एसएसडी लगवानी चाहिए? तो आंसर है, आजकल के टाइम पर सबसे फास्टेस्ट जो स्टोरेज डिवाइस है वो है एसएसडी। अगर आपका बजट अलाउ करता है ना, देन यू हैव टू गो फॉर एसएसडी। और अगर आप लो बजट में चाहते हैं तो हार्ड डिस्क बेटर है, अगर फास्ट चाहते हैं तो एसएसडी बेटर है। तो एसएसडी होती क्या है, कैसी दिखती है, क्या डिफरेंस है हार्ड डिस्क और एसएसडी में, चलिए जानते हैं। तो गाइस ये है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में डिफरेंस। हार्ड डिस्क ड्राइव गोल गोल, इसमें प्लेटर्स लगे होते हैं, है ना, जो रोटेट करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में, ये मैग्नेटिक की बनी होती है। और एसएसडी की बात करें तो ये आपकी पेन ड्राइव जैसी होती है ना। यहां पर कोई सर्कुलर ट्रैक गिवन नहीं होता है, ये गोल गोल घूमती नहीं है, है ना। तो अगर आप बात करें कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी होगी, देखिए जो गोल गोल रोटेट करेगी वो थोड़ी स्लो होगी, और जहां पर पेन ड्राइव के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा, है ना, वो फास्ट होगी कंपैरेटिवली। तो ये तो डिफरेंस हो गया एक स्ट्रक्चर में कि ये दिखती कैसे है, राइट। नेक्स्ट, तो ये है इसका इंटरनल डिफरेंस। हार्ड डिस्क ड्राइव देखिए इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया, प्लेटर्स होते हैं, स्पिंडल होते हैं, रीड राइट हेड होता है, एक्चुएटर आर्म होती है ना, एक्सिस होती है। जबकि एसएसडी की हम बात करें तो ये इसमें कैश मेमोरी होती है। जब मेमोरी मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कैशे क्या होती है ना, तो इसमें कैश लगी होती है, कंट्रोलर लगा रहता है और एन एंड फ्लैश मेमोरी यहां पर होती है।
तो याद रखिएगा SSD के केस में तीन इंपॉर्टेंट बातें। पहला, SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। दूसरा, SSD इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। पहला, कैश मेमोरी, इसलिए ये फास्ट होती है। दूसरा, कंट्रोलर लगा रहता है। और तीसरी चीज कि यहां पर एक गेट लगा होता है जिसे एन एंड गेट कहते हैं, है ना। कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, दो तरीके के फेमस गेट होते हैं, एक होता है नॉर गेट, एक होता है एन एंड गेट, जिसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, राइट। तो एन एंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। तो इसका यूज किया जाता है SSD में। तो यहां से एक बात और समझ में आई कि SSD को बनाने के लिए फ्लैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर SSD, आंसर होगा फ्लैश मेमोरी, या इसीलिए कभी कभी फ्लैश मेमोरी को SSD भी कह दिया जाता है। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो देखिए एक और इमेज के थ्रू डिफरेंस क्लियर होगा आपको, है ना। तो ये SSD ही है आपके सामने। तो सैमसंग ने क्योंकि SSD को बनाया सबसे पहले, है ना, तो सैमसंग को ही क्रेडिट जाता है। वैसे तो सेवन बिग कंपनीज हैं जिन्होंने मिलकर SSD को बनाया, लेकिन कहते हैं ना कोई इनिशिएट करता है, तो इनिशिएट जिसने किया वो है सैमसंग। इसलिए सैमसंग को पापा भी कहा जाता है SSD का, या इसको जनक भी कहा जाता है, या सारा क्रेडिट सैमसंग को दिया जाता है फॉर दी SSD। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट, हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैकेनिकल प्लेटर। अभी हम लोगों ने देखा कि हार्ड डिस्क ड्राइव में गोल गोल सर्कुलर प्लेटर्स लगे होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं रीड और राइट करने के लिए या डेटा को एक्सेस करने के लिए। जबकि अगर हम SSD की बात करें, जिसको फ्लैश मेमोरी भी आप बोल सकते हैं, तो SSD इज अ न्यूअर, ये नई है, फास्टर है और डेटा को बहुत ही तेजी से एक्सेस करने में मदद करती है। तो ये डिफरेंस है SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है? कुछ छोटी छोटी अगेन मोटी बातें SSD से रिलेटेड। सैमसंग अनवील्ड दी लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ SSD इन दी वर्ल्ड। SSD को रिवील करने वाली सबसे बड़ी कंपनी दैट इज सैमसंग। इट इज अ 2.5 इंच सॉलिड स्टेट ड्राइव। कितने इंच की? 2.5 इंच की। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव 2 इंचेस में अवेलेबल है, 2.5 इंच की भी होती है और 3.5 इंच की भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें SSD की तो ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच की ही होती है। क्लियर है? इट कैन होल्ड 16 TB ऑफ डेटा। SSD कितना डेटा को स्टोर करके रखती है? आंसर है 16 TB डेटा को स्टोर कर सकती है आपकी SSD। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैमसंग यूजेस 3D वर्टिकल एन एंड फ्लैश मेमोरी चिप इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये जो सैमसंग कंपनी है, ये कितना स्टोर करके रखती है या फिर किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है? तो देखिए SSD की अगर हम बात करें तो ये सैमसंग ने बनाई, जैसे कि अभी आप लोगों को पता चला, और ये एन एंड फ्लैश मेमोरी चिप्स का यूज करती है। अभी इमेज के थ्रू भी आपने देखा है ना, एन एंड गेट के थ्रू इसको बनाया गया है। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, ठीक। तो एक बार क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस सर यस सर यस सर लिख दीजिए, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, और अगर डिफरेंस की यहां पर बात करें तो तीन चीजों से रिलेटेड इसका डिफरेंस निकल के आता है। पहला, कॉस्ट। महंगी कौन सी है भाई? बहुत ही सिंपल बात है कि जो जितनी तेज होगी वो उतनी महंगी होगी। तो SSD कॉस्टलियर है, महंगी है, एक्सपेंसिव है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। रिलायबल कौन है? विश्वास किस पे ज्यादा कर सकते हैं? तो SSD ज्यादा रिलायबल है। क्यों? अगर हार्ड डिस्क ड्राइव को आप छोड़ दीजिए, अगर आपके हाथ से गिर गई तो इसमें जो डेटा रखा होता है वो लॉस होने की संभावना 90% है। लेकिन अगर SSD गिर गई तो क्या इसमें डेटा लॉस होगा? बिल्कुल नहीं। पेन ड्राइव, ये भी एक तरीके की SSD है, सेम टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है दोनों में, दोनों में फ्लैश मेमोरी का यूज हो रहा है, दोनों में एन एंड का यूज हो रहा है। पेन ड्राइव गिरती है
है ना, उसकी प्लास्टिक बॉडी जरूर टूट सकती है लेकिन डेटा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा फायदा है एसएसडी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट स्पीड, अगर स्पीड के टर्म्स में बात करें, नो डाउट एसएसडी की स्पीड क्या होगी, कई गुना फास्टर होगी इन कंपैरिजन टू दी हार्ड डिस्क। बहुत बढ़िया, शानदार। कॉस्ट महंगी कौन सी होगी, जो ज्यादा तेज होगी है ना वो महंगी होगी, नॉर्मल सी बात है। पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन किसका ज्यादा होगा, वो डिस्क जो गोल गोल घूमेगी वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी, और पेन ड्राइव है ना, और या फिर एसएसडी, ये बेचारी तो पावर कंज्यूम करती ही नहीं, निल के बराबर इनका पावर कंजप्शन है। तो हार्ड डिस्क इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल मूविंग पार्ट, द पावर कंजप्शन ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव इज मोर, इसलिए उसका ज्यादा होता है क्योंकि वो मैकेनिकल, उसमें प्लेटर्स लगे रहते हैं, सिलेंडर्स लगे रहते हैं ना, दैट्स व्हाई। डेटा ड्यूरेबिलिटी, भाई ड्यूरेबल कौन है तो बहुत ही सिंपल बात है कि एसएसडी ज्यादा ड्यूरेबल है ना। यहां पर लिखा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव आर मोर ड्यूरेबल देन एसएसडी, यहां पे ड्यूरेबिलिटी को जो क्रेडिट इन्होंने दिया है वो हार्ड डिस्क ड्राइव को दिया है, एसएसडी को नहीं। ऐसा क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एसएसडी ज्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन एक ड्रॉबैक यहां पर ये आता है कि एसएसडी में जब हम डेटा को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हमें बहुत ज्यादा क्लोजली पैक करके रखना पड़ता है, जहां पर डेटा बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, बाहर भागने की कोशिश करता है, तो एसएसडी कहती है रुक जाओ रुक जाओ, डेटा कहता है नहीं नहीं जाना है जाना है ना, तो डेटा कहता है मुझे जाना है जाना है मुझे जाना है, लेकिन एसएसडी जो उसके ऊपर मैकेनिज्म लगी होती है वो डेटा को रोकती है। लेकिन कब तक, कुछ ही समय तक ऐसा हो सकता है कि डेटा को रोक के रखा जाए, और अप्रोक्स अगर हम बात करें 10 साल के बाद डेटा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश फिर करता है और उसमें कामयाब भी होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव अगर आप सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग कैपेसिटी होती है वो होती है अराउंड 15 ईयर्स, 15 साल तक आपकी हार्ड डिस्क चल सकती है। लेकिन एसएसडी की बात करें या पेन ड्राइव की बात करें या एसडी कार्ड की बात करें, इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम होती है दैट इज ऑफ 5 to 6 ईयर्स, है ना। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि यहां पर डेटा को बहुत देर तक सस्टेन करके रखना दैट इज नॉट पॉसिबल। कई केसेस में चलती भी हैं ज्यादा, बट अगेन इट डिपेंड अपॉन इट्स मेंटेनेंस, इट्स यूजेस। अगर आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं है ना तो ज्यादा चलेगी, और अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नो डाउट ये भी एक डिवाइस है और ये कम चलेगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। तो आप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस और क्यों हम वर्ड ड्यूरेबल यहां पर यूज कर रहे हैं। अगला, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मतलब कितने इंचेस की अवेलेबल है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क ड्राइव 2.5 इंच और 3.5 इंच, इन दो में अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन 2.5 इंचेस एंड 3.5 इंचेस। वेयर एज जब हम बात करें एसएसडी की, तो एसएसडी अवेलेबल है कई सारे फॉर्म्स में जिसमें सिर्फ इंचेस की अगर बात करें तो 2.5 इंच की ही आती है। एप्पल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें एसएसडी लगी होती है ना, और नॉर्मल जितने एसर या फिर लेनोवो या फिर एचपी जैसे कंप्यूटर्स हैं उनमें नॉर्मली जो यूज होती है वो हार्ड डिस्क होती है ना। बाकी अगर आप चेंज करवाना चाहें तो बिल्कुल स्विच आप करवा सकते हैं। तो यहां पर अगर फॉर्म फैक्टर्स की बात करें तो एसएसडी में साटा एम साटा M.2 SSDs जैसे वेरिएंट्स का यूज यहां पर किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब एक नई टेक्नोलॉजी भी हो गई एसएसडी के बाद, जिसको कहा जाता है एसएसएचडी, एसएसएचडी। तो ये बेसिकली एसएसएचडी क्या है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। एसएसएचडी इज कॉल्ड एस, हाँ, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ये क्या होता है, एसएसएचडी कॉम्बिनेशन होती है हार्ड डिस्क ड्राइव की और एसएसडी की। ठीक, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों का यूज अगर करना हो तो इसके लिए एसएसएचडी आती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम हार्ड डिस्क ड्राइव को भी लगाते हैं और एसएसडी को भी लगाते हैं। ऐसा क्यों, देखिए हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, और एसएसडी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। जहां पर 1 TB की हार्ड ड्राइव होती है
और 24 GB की SSD होती है। जैसे सपोज करो बड़े बड़े जो गेमर्स होते हैं है ना, जो बहुत हाई प्रोफाइल गेमर्स हैं या हाई प्रोफाइल डिजाइनर्स हैं है ना, उनके लिए SSHD टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट, जहां पर वो हार्ड डिस्क का भी और SSD का भी दोनों का यूज करते हैं और बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं कहां पर, हार्ड डिस्क में, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं SSD में। तो इससे फर्क क्या होगा, इससे बूटिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा है ना, सिस्टम को स्टार्ट करना या बूट करने का जो समय है वो बहुत कम होने वाला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन है ना, तो सिस्टम बूटिंग भी जल्दी होगी और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो दैट इज शानदार चीज विच इज कॉल्ड SSHD। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस में अगला, दैट इज ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, राइट। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, कैसे इसका यूज किया जाता है, आई होप आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं है ना, ताकि आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर पाए। फिर ऑप्टिकल डिस्क और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन यानी कल 1 बजे है ना। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है ना, तो वो आप मुझे जरूर बताएं वीडियो में। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहे है ना। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, तो जरूर कल जुड़िएगा, और आज भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, उनको भी जरूर देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।